बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 5 मैचों की वो टेस्ट सीरीज जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी वजह भी खास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का रोमांच तो हम सभी जानते ही हैं, और उसमें तड़का लग जाए WTC के फाइनल में पहुंचने की रेस का, तो ये सीरीज और भी ज्यादा खास बन जाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें अपने बचे हुए 7 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे, जिसमें 5 तो भारत के ही खिलाफ है और बाकी 2 मैचेस श्रीलंका के खिलाफ है। अब अगर मान के चले कि श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट मैच जीत जाता है, तो भी उसे भारत के सामने 5 में से 2 मुकाबले जीतना जरूरी है, तभी उनका जीत का प्रतिशत फाइनल में पहुंचने लायक हो पाएगा। हालांकि जितना आसान ये सुनने में है, उतना आसान ये असलियत में नहीं है, क्योंकि भारत जिस माइंडसेट और डोमिनेशन के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, और हर एक खिलाड़ी को अपनी भूमिका अच्छे से पता है और उसे वह शानदार तरीके से निभा भी रहे हैं, ऐसी टीम से जीतना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। वहीं अगर बात श्रीलंका की करें तो ये यंग टीम भी इस WTC साइकिल में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का दौरा 22 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन भारतीय टीम दौरे के आगाज से 2 हफ्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम 2 और टीमों के साथ मुकाबला खेलती दिख सकती है। भारतीय टीम ऐसा क्यों करेगी, आइए ये भी जानते हैं। टीम इंडिया फिलहाल तो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगी, लेकिन उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 32 साल में ऐसा पहली बार होगा जब दोनों टीमें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलती दिखेंगी। आखिरी बार इन 2 टीमों ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1991 और 92 में खेली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जंग हमेशा से रोचक और रोमांचक रही है। भारत के सामने इस बार खिताब को डिफेंड करने की चुनौती रहेगी, और यही वजह है कि वो दौरे से 2 हफ्ते पहले यानी कि करीब 12 दिन पहले पहुंच जाएंगे। भारत के इतना पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की वजह खुद की तैयारियों को परखना और वहां की कंडीशंस में ढलना भी है, ताकि सभी खिलाड़ी वहां के वेदर और कंडीशन से अच्छी तरह से घुल मिल जाएं, क्योंकि वहां चुनौती सिर्फ खेल की नहीं आपके माइंडसेट की भी होगी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो शानदार खेल के साथ साथ आपके माइंडसेट के साथ भी खेलती है, ऐसे में हर खिलाड़ी का वहां की परिस्थिति में ढलना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज 22 नवंबर से हो रहा है। पहला टेस्ट पर्थ में है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया वहां इंडिया ए के खिलाफ 1 या 2 प्रैक्टिस मैच खेलती दिख सकती है। इसी वजह से ही टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले पहुंचने की खबर भी है। दरअसल इंडिया ए 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रही है, जहां उसे वहां की ए टीम के साथ 2 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। इंडिया ए का ऑस्ट्रेलिया दौरा 10 नवंबर को खत्म होगा, जिसके बाद वो टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस मैच खेलती दिखेगी। पर्थ में पहला टेस्ट 22 से 26 नवंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट डे नाइट टेस्ट है, जो एडिलेड में पिंक बॉल से 6 से 10 दिसंबर के बीच होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम पहले और दूसरे टेस्ट के दौरान मिले खाली वक्त में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ भी एक अभ्यास मैच खेलती दिख सकती है, जो कि 2 दिन का डे नाइट मैच हो सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस महाजंग का सभी को इंतजार है। दोनों टीमें WTC टेबल में अपनी जगह मजबूत करने को देखेंगी, और जब 2 सबसे बड़ी टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांच देखते ही बनता है। आपको क्या लगता है, BGT का रिजल्ट क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।